माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। नई सुबह, नया व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी आपको पता है आजकल हम लोग आउटडोर नहीं जा रहे, क्योंकि आपको मालूम है हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको मैं अपने घर के ही जो खाने वगैरह बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ जो भी मेरी एक्टिविटीज़ घर में होती हैं, तो मैं थोड़ी बहुत आपको उसके साथ शेयर करती हूँ, और बाकी तो इतना टाइम ही नहीं होता कि शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही सही होंगे तो फिर इंशाल्लाह आउटडोर भी जाएंगे, वहाँ के भी व्लॉग्स बनाएंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को ये जो मैं व्लॉग भेज रही हूँ ये भी पसंद आएगा, और इसके साथ साथ आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या याद है आपको पता है ना बात, तो शेयर करें और कमेंट्स दें, और शाहीन व्लॉग को याद रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों से यही है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ताबुन करते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके जो कमेंट्स आते हैं वो भी हमें पसंद हैं, और जो भी कुछ होता है हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कोई भी बात हो। तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और आपकी सजेशन हमें अच्छी लगती है। तो अच्छी बात है, कोई भी इंसान किसी की कोई इसलाह करता है वो उसको मानना चाहिए अपनी गलती को, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इसलाह करते हैं। तो इस तरह से सब लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का, हम क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं सब, तो हमें एक दूसरे के सब कुछ ख्याल रखते हुए आगे सब कुछ रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को देखेंगे और पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और माय व्यूअर्स, आज मैं आपको एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने बहुत इशारा करा था कि आप मुझे ये बनाकर खिलाएं, तो मैंने उनके लिए बनाया है, उनको भेज भी दिया है, समझे वो भी खाएंगी तो मुझे बताएंगी कि कैसा लगा। और इस तरह से आप ये देखिएगा, रेसिपी का नाम मैं नहीं बता रही, अभी आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बनाया है आज, आज खाने में क्या बनाया है आपको पता हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेके आखिर तक वीडियो लाइक करेंगे, देखेंगे और शेयर करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी आपकी दुआ से खैरियत हूँ। तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज कोफ्ते बनाते हैं, ठीक है। कुछ किसी ने मुझसे कहा भी था कि यार कोफ्ते बना के खिलाएं आप, तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ। आज ये कीमा है मेरे पास, तो आधा किलो कीमा लिया है मैंने, और ये चार प्याज लिए हैं मीडियम, स्मॉल साइज़ के, मीडियम भी नहीं है, थोड़ी छोटी है, चार लिए सीधे। और ये जो मसाला है ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, ये कोफ्ता मसाला है। इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है आप पूछेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें इसके अंदर वो है, मिर्चें हैं, धनिया है, थोड़ा सा चने पीसे हुए हैं, भून के पीसे हैं, और इसके अलावा गरम मसाला भी है। और मेरे पास यहाँ पर हम लोग खशखश मिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलते खशखश, तो मैंने उसकी जगह पिस्ते मिला, वो पिस्ते और बादाम मिला दिए, थोड़े से काजू भी मिला सकते हैं आप, लेकिन काजू में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है इसलिए नहीं मिलाए मैंने। ये गरम मसाला है मिक्स वाला साबुत, और ये पिसा हुआ धनिया, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये हमारा मसाला है पूरा, ठीक है। अभी ये वाला जो मसाला है मैं ये इस कीमे में मिला दूँगी, और इसको मैं चॉप करूँगी, हरी मिर्चें भी डालूँगी इसमें, हरा धनिया डालूँगी, और आधी प्याज भी इसके अंदर डालूँगी ताकि कोफ्ते नरम रहें, सख्त ना हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं है ना सिर्फ कबाब भी बनाऊंगी, तो ये मैंने चिकन का बोनलेस कीमा गोश्त लिया है, और उसको भी मैं अभी पीसूंगी, और उसके फिर सिर्फ कबाब जब बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें भी ये हल्दी मिर्चें ये सब गरम मसाला वगैरह डाल के पिसा हुआ सब कुछ मैं पीस के रखूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब तैयार होंगे, ठीक है। अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ पीसने का, और ये पीस रही हैं, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने उसके तरफ आ जाती हूँ, ये तीन अदर टमाटर भी हैं, ये मैं इसको पीस कर डालूंगी, पिसी हुई प्याज डालूंगी, मैंने प्याज इसमें पीस लिए, इस कैंटर में मैंने प्याज पीस ली है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये मैंने प्याज पीस ली है। अब मैं आपको पतीले की कीमा पीस रही हूँ, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और मैं अब इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरी प्याज देखें भुन गई है, और अब मैं जब ये प्याज भुन जाएगी उसमें दो चम्मच अदरक लहसुन के डाल के भूनूंगी, और उसके अलावा फिर जो मसाला है मेरा वो डाल दूँगी, पिसी हुई लाल मिर्चें, हरा पुदीना और हल्दी वगैरह सब मैं डाल दूँगी। अच्छा ये देखिए मैंने कीमा पीस लिया है कोफ्ते का, अभी मैं थोड़ी देर में इसको इसके कोफ्ते बनाऊँगी, बॉल बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने टमाटर भी तीन निकाल लिए हैं, इसको भी मैश करके मैं डालूँगी। अच्छा ये जो मेरा चिकन के कबाब बनाऊँगी सीख कबाब,
उसमें ये देसी घी मैं डालूंगी 2 चम्मच। इसका जायका बहुत अच्छा रहता है और कबाब भी नरम रहते हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी मैं शेयर करूं। मेरे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको है ना शोरबा मैंने उसका मसाला बना भून के तैयार कर लिया है। अब मैं आपको शोरबा दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान, देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाले। और मेरे कोफ्ते तैयार हैं, इंशाल्लाह खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये देखें शोरबा भी तैयार है। ये देखें बस मैं इसमें ना फ्राई करके और इसको डालना है, फिर इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ रहें। फिर आगे व्यूअर्स देखें मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और उसके साथ मैंने सादे चावल तैयार करें। और मेरे आप लोग देखें कोफ्ते आपको तैयार कैसे लग रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, हम लोग भी खाएंगे और आप भी बताएं हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं खाने के बाद। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स हस्बैंड की तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है पहले से, तो मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ, उनके ख्यालात का इजहार लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अफसर के साथ। अफसर आप व्यूअर्स को बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है। मैं आपके पास कैमरा ले आई हूँ और आप बताएं कि कैसे हैं आप, अपने बारे में बताइए क्या क्या अपडेट है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यू आर वॉचिंग शाहीन व्लॉग्स और मैं आपका होस्ट अफसर शाहीन ऑल द वे फ्रॉम दोहा कतर। जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं पहले से तबीयत बहुत ही माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और गुड न्यूज़ ये है कि कल संडे यहाँ पर तो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, पाकिस्तान में और जगहों पर छुट्टी वाला दिन होता है, पर यहाँ पर गल्फ़ में ख़ास तौर पे कतर की बात करूँगा तो यहाँ फर्स्ट वर्किंग डे है। तो इंशाल्लाह मैं कल ऑफिस ज्वाइन करूँगा और फिर देखते हैं। तो तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि इंसान को जो है ना लालच नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की। लालची जो लालचपन है वो इंसान को ले के डुबो देता है। तो मैं सिर्फ ये इस पहराए में बात कर रहा हूँ, मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ किसी के बारे में नहीं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, और मैंने भी आप अगर मेरे पिछली वीडियोस में जाके देखें तो हम सवात की तरफ गए थे, सवात में इलाका था बहरीन, वहाँ पर भी हम गए थे। तो अभी जो खबरें आई हैं उसमें बहरीन का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर लोगों ने दरिया के बिल्कुल करीब करीब अपने होटल्स वगैरह कमर्शियल प्लाजा वगैरह ये सब बना लिए थे। और मुझे नहीं लगता कि ये लीगल थे या क्या थे, बहरहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर यह है कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है होटल भी गिर गया था, ये का आपने देखा होगा हनीमून होटल, तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो नाजायज़ तरीके पे बना हुआ था और ऐसी जगह पे बना हुआ था जहाँ पर उसको बनना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ और बाकी जगहों पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये भी एक तरह की लालच है इंसान के दिल में कि चलो भाई ऐसी जगह पे बनाते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो बहरहाल मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रिवायत है, और हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो बराह करम मेरा बस ये छोटा सा पैगाम है कि इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो बाकी हालात बेहतर हो गए हैं मेरे साथ, और जो वाइफ ने खाना वगैरह दी बनाया था आज आपने जो देखा है बहुत ही लजीज बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो भाई गाइस आज आपने ये कोफ्ते देखे हैं, मैंने बनाई है, रेसिपी नाम ले लिया है क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने खिलाए आज, उनको तो बहुत पसंद आए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। आप लोग भी हमारे साथ खाएं और शेयर करें आगे से आगे, शाहीन ब्लॉग को याद रखें। और इसके अलावा आपसे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जो भी कमेंट्स हो, जो भी कुछ बात हो, आप ज़रूर हमें शेयर करें, हमें भेजें, हम इंशाल्लाह ताला उसको देख के देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। शाहीन ब्लॉग को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।